अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो 7.8 अध्याय है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। अब हम लोग निश्चित समाकलन में, मतलब डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, इसके बारे में हम लोग अब स्टडी और पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले बेसिक चीज़ों को समझ लें, थोड़े से ही समझ लें, लेकिन बेसिक चीज़ों को समझ लें कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में क्या अंतर होता है। तो निश्चित समाकलन में हम लोग केवल निश्चित जगह का क्षेत्रफल या उससे संबंधित जो है वह कैलकुलेशन करते हैं, और अनिश्चित समाकलन का मतलब होता है कि जिस हमें मालूम नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में हमें इनका कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए अनिश्चित में जाते हैं। तो निश्चित समाकलन में, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पूर्व अनुच्छेद में हम अनिश्चित समाकलन का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। निश्चित समाकलन का मान एक यूनिक, यू मतलब अद्वितीय, मतलब जो बदला नहीं जा सकता, एक संख्या होती है, और निश्चित समाकलन को हम लोग ए से बी एफ एक्स डी एक्स इस तरह से निरूपित करते हैं, जहाँ पर ए समाकलन का निम्न सीमा होता है, ये निम्न सीमा होता है, लोअर लिमिट कहते हैं, और बी समाकलन का उच्च सीमा मतलब अपर लिमिट, ये आपका बी यहाँ पर होता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बीच ए और बी को जो अंतराल होता है हम लोग इससे लेते हैं, इसका मतलब होता है ए से लेकर के बी के बी तक, तो ये समाकलन का परिसर मतलब रेंज कहलाता है। अब निश्चित समाकलन को हम दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, पहला है योगफल की सीमा के द्वारा, दूसरा है प्रति अवकलन एफ के द्वारा। तो 7.8 जो हमारा अध्याय है वहाँ पर हम लोग योगफल की सीमा के द्वारा हम इनका जो है वो समाकलन निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत डिटेल्स में है, तो हम थोड़े से में समझते हैं कि योगफल की सीमा में निश्चित समाकलन को कैसे निकालें। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये एक ग्राफ चल रहा है जहाँ पर इसका जो फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए ये चल रहा है, और हमें जो है इनका वैल्यू निकालना है a से लेकर के b तक के बीच में समाकलन निकालना है। चूँकि हमें ये बता दिया है कि a से b के बीच में ही इसको समाकलित करना है, इसलिए इसको हम लोग निश्चित कहते हैं। पहला तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब अगर हमको इस ग्राफ में दिया है और ए से बीच में समाकलन निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है इस ग्राफ के नीचे वाला जो पार्ट है, जो पोर्शन है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो कर्व है या वक्र है आप देख रहे हैं कि लंबाई ये जो है अलग अलग दिशाओं में जा रही है, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो जब सीधी रहे तो हम लोग त्रिकोणमिति का क्षेत्रफल या किसी का क्षेत्रफल निकाल लें। तो उस तरह के क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ पर कि बिल्कुल सीधी सीधी रेखाएं नहीं होती हैं, और अगर उनके बीच का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होता है, तो हम लोग निश्चित समाकलन का प्रयोग करके करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे बॉक्स बनाते हैं, किसके अंदर, इस वक्र के नीचे, जहाँ पर कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो निश्चित होती है कि वो एच एच ही चौड़ाई हो, सबकी चौड़ाई एच एच है। और यहाँ पर जो ऊंचाई, अगर पहले की ऊंचाई जो है वो आपका यहाँ दिख रहा है कि एफ ए है, तो दूसरी की ऊंचाई इससे बढ़ करके एफ ए प्लस एच रखा गया। अब यहाँ एच क्यों रखा गया, क्योंकि ये मालूम नहीं है कि इसकी हाइट एक्चुअल ऊंचाई कितनी है, इसलिए हमने यहाँ चर राशि लगा। अब इसके बाद ये माना गया कि ये टू एच होगा, इसी तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में चलता है, क्योंकि पहले भाग में आपका h नहीं था, तो आखिरी भाग में जो होगा वो n माइनस वन इंटू एच के टर्म में रहेगा। अब आपको अगर एक बॉक्स दिया गया है जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालने के लिए केवल यही करते हैं कि इस बॉक्स का क्षेत्रफल जोड़ इस बॉक्स का क्षेत्रफल जोड़ इस बॉक्स का क्षेत्रफल, यहाँ से लेकर के n बॉक्स का क्षेत्रफल जब हम लोग जोड़ देते हैं, तो टोटल हमको जो मान मिलता है वो ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मान मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर शुरुआती ए पॉइंट से, जब यहाँ पर हमने ये 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, और ये लास्ट पॉइंट है जो बी है, जहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है आपकी एच। तो यहाँ तक हमने इसकी लंबाई में ले ली, और ऊंचाई जो है अपना चेंज होता चला गया। अब इसी चीज़ को हम लोग फिगर में समझ चुके हैं कि फिगर में हम लोग योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कैसे, किस तरह से और क्यों निकालते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट इसके फॉर्मूले में आ जाते हैं।
तो इसका फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला रहेगा, ये आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये ऊपर नीचे समाकलन में हम लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पर होता है कि a से b एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, क्योंकि a से b दिया हुआ इसलिए निश्चित है कि हमको कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक इसके बीच में इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब वो क्षेत्रफल हम लोग लेते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, मतलब हमने h की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर ली लेकिन जीरो नहीं लिया, मतलब बहुत ही छोटे वैल्यू को भी हमने नहीं छोड़ा, कहने का मतलब ये है। और पहला एफ ए लिया, जो पहला जो बॉक्स दिखा था, फिर ए प्लस एच, इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स सबको हमने क्या किया, यहाँ पर सबका हमने क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि यहाँ पर पहले में एच नहीं है इसलिए आखिरी में जो एच होगा उसका मल्टीपल होगा एन माइनस वन इंटू एच। इस फॉर्मूला और इस सूत्र के द्वारा हम लोग क्षेत्रफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान निकालते हैं। चलिए इसको हम लोग एक प्रॉब्लम, एक समस्या से समझते हैं, थोड़ा उसमें और डिटेल में समझ में आएगी, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले का यूज़ होता है जो आप स्क्रीनशॉट करके आपको याद करना है। और वैसे भी ये फॉर्मूले जो है क्लास 11th में भी आपके पास आए थे, जैसे पहला फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 और n तक जोड़ते हैं तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2। दूसरा फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी तरह से n का स्क्वायर कर देंगे तो इनको जोड़ करके n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6 होता है, a³ b³ a³ 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब, इस तरह से n का क्यूब तक जोड़ते हैं तो ये n² n+1² 4 हो जाता है। उसी तरह से a + ar + ar² इस तरह से निकल रहा है, लास्ट ar^n-1 होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि a·r^n-1/r-1। अब इसका जो दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आपको ज़रूर याद करके रखना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपका यहाँ दिख रहा होगा कि अगर sin a + h + sin a + 2h इस तरह का साइन के टर्म में रहे लास्ट टर्म, तो इसको हम लोगों को जोड़ करके इसका फॉर्मूला क्या होगा वो यहाँ देख लेते हैं। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि ये लास्ट जो है sin a + nh हो गया, इनका जो योग होता है वो sin a + nh/2 × sin n+1 × h/2 होता है और टोटल डिवाइडेड बाय sin h/2 होता है। उसी तरह का टर्म cos में भी होता है, cos a + h + cos a + 2h से ले करके जब आखिरी टर्म्स आते हैं cos a + n-1 × h, और यहाँ तक को जब हम लोग जोड़ते हैं तो जो ये लेकर के यहाँ ये लास्ट टर्म हो गया, यहाँ तक अगर जोड़ते हैं तो इसमें cos a + nh/2 × sin n+1 × h/2 और सबका डिवाइडेड हो जाएगा sin h/2। तो cos का जोड़ और sin का जोड़ में दोनों में अंतर यही है कि sin जब ऐड करेंगे तो केवल sin में ये वाला जो फंक्शन है वो sin के टर्म में रहेगा, और इसमें cos वाले में ये वाला फंक्शन जो रहेगा वो cos के टर्म में रहेगा, बाकी दोनों का क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, जो याद करने में आपके लिए इजी हो जाए। चलिए अब हम लोग इस अध्याय 7.8 को समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पर एक एग्जांपल दें कि योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2 तक x² + 1 एक फलन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो फलन है इसका वैल्यू हमने यहाँ रख लिया, यहाँ पर a की वैल्यू 0 दी है और b की वैल्यू जो है 2 दी है, तो यहाँ से हम लोग nh निकालते हैं। nh जो होता है वो b - a होता है, जैसे यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में यहाँ दिखाया था कि अगर इस तरह का फलन को जोड़ते हैं तो यहाँ पर nh की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू b - a के बराबर होती है। तो nh की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने उसी सूत्र का प्रयोग किया जो अभी हमने पेपर में आपको दिखाया था, a से b एफ एक्स डी एक्स जो है हम लोग लिखते हैं लिमिट h→0। h→0 का मतलब h की वैल्यू लगभग 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है, इंटू h, और फिर ब्रैकेट में fa + fa + h fa + 2h, और इसका आखिरी टर्म हो जाता है fa + n-1 × h, ब्रैकेट बंद। तो 0 से x² + 1 की वैल्यू हम अब यहाँ पर, यहाँ पहले दिया a की वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ रखेंगे f 0 प्लस यहाँ पर होगा a + h, तो a की वैल्यू 0 हो गई तो ये हो जाएगा fh, फिर f 2h, तो क्योंकि a की वैल्यू सब जगह 0 है 0 पुट अप कर देंगे, इस तरह से ये टर्म्स मिल गया।
अब यहाँ पर आते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो, एच आपका उसी तरह हो गया, एफ जीरो को हमने लिखा जीरो प्लस वन। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो फंक्शन है अंदर वाला वो किस टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वन के टर्म में। तो अगर हमने यहाँ एफ जीरो लिया है तो एफ एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो ले लें तो एफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी वन। एफ जीरो मतलब जीरो प्लस वन। एफ एच मतलब हो गया कि यहाँ पर एच रखते हैं तो ये एच स्क्वायर प्लस वन, तो एफ एच की वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस वन। उसी तरह से एफ टू एच, तो यहाँ पर टू एच रख देंगे तो टू एच स्क्वायर प्लस वन, मतलब आपको हो जाएगा टू एच स्क्वायर प्लस वन। इस तरह से पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। और अब देख रहे हैं कि इसके ब्रैकेट को, सभी ब्रैकेट को हम लोग खोल रहे हैं तो हर एक में प्लस वन प्लस वन प्लस वन, सभी में प्लस वन आ रहा है, तो प्लस वन वाले को एक साथ रख लेंगे। इसके स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच वहीं रहेगा, केवल हम लोग ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं। सभी जगह प्लस वन सभी में है तो सभी को प्लस वन को एक जगह लिख लेंगे प्लस। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद सब में एच स्क्वायर आ रहा है, टू एच स्क्वायर मतलब फोर एच स्क्वायर, तो सभी में एच स्क्वायर आ रहा है, तो एच स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म्स मिस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर लेकर के एन माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि पहले वाले टर्म्स मैच नहीं है और टोटल टर्म्स एन है। तो एच से अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो टोटल टर्म्स एन माइनस वन हो जाएंगे, क्योंकि एक टर्म्स तो मिसिंग है। अब एच स्क्वायर कॉमन लिया, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर लेकर के एन माइनस वन का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब वन को हम लोग एन टाइम्स तक ऐड करते हैं तो ये जो ऐड होकर के एन मिलता है। और अभी हमने पीछे चर्चा किया कि वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर इसको एन माइनस वन का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये एच स्क्वायर तो यहीं रहेगा और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन हो जाएगा, इसका जोड़ बटे छः। तो अब तक इसका कैलकुलेशन बिल्कुल हो गया। अब हम केवल इसके टर्म्स को खोल के सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? एच स्क्वायर है तो एक एच इसके साथ ले लेंगे और एक एच को सभी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे एन एच एन एच एन एच आपको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि एन एच की वैल्यू टू आपके पास है, इसलिए अब हम सभी जगह टू पुट अप कर देंगे। और फिर एच टेंस टू जीरो मतलब एच की वैल्यू अगर कहीं है तो वहाँ जीरो रख देना है, तो एच की वैल्यू यहाँ जीरो कर दिया, ये फोर रह गया, ये जीरो कर दिया तो ये टू रह गया प्लस टू। और इस तरह से आपने जीरो से टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू 14/3 निकाला। इस चीज़ों को आप थोड़ा सा एक दो बार देखें और इसमें दो तीन बार प्रैक्टिस करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरह के, ये तो हमने क्षेत्रमित्री के एलजेब्रा का टर्म में आपको बता दिया, अब कुछ दूसरे तरीके में लेते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल ई के पावर एक्स में रहेगा तो उसमें आपको कैसे कैलकुलेशन करना है? सारे एलजेब्रिक टर्म्स को आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया था। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दिया है आपका 0 से 2 e टू द पावर x dx का समाकलन। एलजेब्रिक टर्म अलग था, अब हम यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म में हैं। तो ये जो फंक्शन है, फलन है, वो e के पावर x में है, जहाँ a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू आपकी 2 दी है। तो nh होता है b माइनस a, 2 माइनस 0 आपकी 2 हो गई। अब हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा, जनरल फार्मूला मतलब योगफल की सीमा वाला जो फार्मूला हमने वो फार्मूला लिखा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एस टेंस टू जीरो एच। अब ये ब्रैकेट आ गया बड़ा वाला ब्रैकेट, एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस टू एच, इस तरह से ये लास्ट टर्म आया और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब ये टर्म्स तो हमने वैसे ही रख दिया यहाँ पर, ये जो लिमिट एस टेंस टू जीरो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा आपका यहाँ पर भी। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं एफ ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी? ज़ीरो है। तो अगर हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो पुट अप कर दी तो ई का पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा? यहाँ एफ ज़ीरो आ गया, पहले हम लोग ए की वैल्यू डाल देते हैं, जीरो प्लस एच क्या होगा? एफ एच। जीरो प्लस टू एच क्या होगा? टू एच। इस तरह से सभी जगह ए की वैल्यू ज़ीरो पुट अप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं एफ ज़ीरो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो एफ ज़ीरो मतलब एक्स की जगह ज़ीरो रख दें तो ई का पावर ज़ीरो हो जाएगा। दूसरे में x की जगह e के पावर h रख देते हैं, e का पावर 2h, इस तरह से ये टर्म्स मिला। तो अभी आप समझ रहे हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ को पुटअप किया जाता है। चलिए इसके अगले स्टेप में कैसे कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन में थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट s टेंस टू जीरो h,
वैल्यू पुट अप कर दिया पहले वन, ई का पावर एच, ई का पावर टू एच, इस तरह से वैल्यू चल रहा है। तो इनका जो सम होता है, जो फॉर्मूला में हमने आपको दिखाया था, इनका सम का फॉर्मूला ये होता है, वन इंटू ई टू द पावर एन एच माइनस वन बाई ई टू द पावर एच माइनस वन। और ये जो फॉर्मूला वैसे भी क्लास टेंथ में जब आप जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक, तो वहाँ पर आपको ए पी जी पी एच पी में इसके फॉर्मूले दिए गए हैं। तो ये वही फॉर्मूला है कि इस तरह के टर्म्स का जो सम होता है वो सम क्या होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी का योग। ये फॉर्मूला इस तरह से रख लिया। अब इस स्टेप से इस स्टेप में आएंगे तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एन एच के टर्म में लिख दें। तो यहाँ पर एन एच कर लिया, और एन एच की वैल्यू क्या थी पीछे, एन एच की वैल्यू टू थी, तो यहाँ पर ई का पावर टू आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं वन बाई ई टू द पावर एच माइनस वन, और इस एच को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ई टू द पावर एच माइनस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाई ई टू द पावर एच माइनस वन, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो होती है वो वन के बराबर होती है। ये भी क्लास इलेवेंथ में जब आप लिमिट टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इसके बारे में इसका फॉर्मूला दिया होगा। तो ये वैल्यू वन, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस वन आ गया। तो हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर समझा। अब एक इसमें जो है एक लास्ट चीज़ लेते हैं, यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हमको ऐड करने के लिए आ गया कि योगफल की सीमा के रूप में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ऐड कीजिए, तो इसमें साइन कॉस टेन ये तीन तरह का ही आता है। तो कॉस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, तो वैसे ही हम लोग सारी चीज़ में कर लेंगे। जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स को हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर जो फलन है वो कॉस के टर्म में है, जहाँ पर ए जीरो है और बी पाई बाई टू है, तो यहाँ एन एच मतलब पाई बाई टू माइनस जीरो करेंगे तो पाई बाई टू आ गया। अब हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच, इस तरह से लास्ट टर्म तक हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर एफ ए, तो ए क्या है आपका, जीरो है, तो एफ जीरो, यहाँ पर ए प्लस एच, जीरो प्लस एच तो एच हो जाएगा। इसी तरह से सब जगह ए की वैल्यू इसमें पूरी जगह पर हमने जीरो रख दी। अब एफ जीरो का मतलब क्या है, तो यहाँ पर एफ जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू आपकी वन होती है। फिर यहाँ टू एच है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक्स की जगह पे, यहाँ पर रख दिया टू एच, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन एच स्क्वायर टू पाई बाई टू है, तो यहाँ से एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा आपका एन एच की वैल्यू। एक मिनट, अब इसके बाद यहाँ जो वैल्यू है, अभी हमने फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था कि वन प्लस कॉस एच, वन प्लस कॉस टू एच क्या होगा, तो ये उसका फॉर्मूला है। जैसे अभी हम फिर आपको वो फॉर्मूला पहले पीछे से दिखा दें कि यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला याद करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आपका कॉस ए प्लस एच, ए की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब कॉस एच, कॉस एच प्लस कॉस टू एच, लाइक दिस, इस तरह का रहता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया। इसमें ए की जगह पे अगर हम लोग जीरो पुट अप कर देते हैं तो आपको वही टर्म मिलेगा जो अभी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये कॉस के टर्म में ऐड है, इसी तरह से साइन के टर्म में भी आपको आ सकता है। तो यहाँ पर जो टर्म्स आया आपका, ये जो टर्म्स आया यहाँ पर, ये वही केवल फॉर्मूला रखा हुआ है। अब हमारा अगला स्टेप शुरू होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। अब यहाँ पर दिया हुआ है एन एच बाई टू और एच दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एन एच बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एच बाई टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आपको एच प्लस, मतलब इसको केवल सिंप्लीफाई कर दिया है, खोल दिया, इसको ओपन कर दिया, सारा चीज़ ओपन करके लास्टली जो है जहाँ पर एन एच जो है वो एन एच की वैल्यू आपकी क्या है, पाई बाई टू है। जिस जगह पे एन एच आया हुआ वो पाई बाई टू है, ये एच बाहर है, बाहर है तो यहाँ पर एन एच हो जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा, एन एच की वैल्यू यहाँ भी जो है वो पाई बाई टू पुट अप कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करके आपका ये रिज़ल्ट फाइनल में ये आ जाएगा। तो 7.8 में हम लोगों ने जो थ्योरी और इससे सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चंस देखे, ये चीज़ें डाउट तब हमको और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम इसको जो है अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। जैसे कि इस स्टेप के बारे में फिर से बताऊँ, ये एच है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये एन एच हो जाएगा और यहाँ पर एच आ जाएगा।
जब हम ये लिमिट हटाते हैं जिस जगह पे, उसी जगह पे h की वैल्यू को जीरो डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर h की वैल्यू ज़ीरो आ गई। चीज़ समझ में आ रही है? तो जब आप लिमिट हटाएंगे तो केवल जहाँ जहाँ h रहेगा, यहाँ भी h है तो इस h की जगह पे भी जीरो हो जाएगा, और वो आप सिंपल टर्म में आपने लिख लीजिएगा, और ये हो जाएगा एन एच माइनस एच बाई टू, और एन एच की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू, तो यहाँ पाई बाई टू कर देंगे। जब तक लिमिट है तब तक यहाँ एच रहने देंगे, और लास्ट में एच हटाएंगे तो सब जगह जीरो पुट अप कर देंगे। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग 7.9 टर्म्स में रहेंगे। थैंक यू।